तरह इसको बैठ रही है जो उन्होंने तय करना है कि वो किस कदर हलवा खाने के मूड में है, वरना फिर तो सारा का सारा हलवा जो है वो हुक्मरानों के लिए रह जाएगा। सूबाई हुकूमत ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया है, वो मेडिकल बोर्ड हमजा शहबाज साहब की फुल एग्जामिनेशन करेगा और फिर उसके बाद ये डिसाइड होगा कि उन्हें किस सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। नूर लीग का ये मुतालबा कि उन्हें इत्तेफाक अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, ये अपनी जाती ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन आईन और कानून के मुताबिक नहीं है। मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजूर करता हूँ और तमाम उन तबकात से जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया उस सबसे मैं माजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम, मैं हूँ तारिक महमूद। मोटरवे ज्यादती केस एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया और जिसके बाद गुज़िश्ता तीन रोज़ से जो सूरत हाल है वो सबके सामने है और आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बताया गया कि जो मरकज़ी मुलज़िम हैं शफकत अली उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो पुलिस ज़रा है वो ये कहते हैं कि जो दूसरा अहम किरदार है आबिद उसके भी करीब पहुँच चुके हैं और उसकी गिरफ़्तारी भी किसी भी वक्त मुतवक्का है। जो इत्तलात हैं वो जिसको कन्फर्म भी कर रहे हैं वो ये है कि जो आबिद अली की फ़ैमिली के जो मुतअद्दिद अफराद हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, मज़ीद पूछगछ की जा रही है और इस हवाले से जो आबिद अली की गिरफ़्तारी है वो भी मुतवक्का है। कौमी असम्बली में इस मामले के ऊपर बहस का आगाज़ हुआ है, कायदे हिज़्ब इख़्तिलाफ़ शहबाज़ शरीफ साहब ने बहस का आगाज़ किया है, मुराद सईद साहब ने भी गुफ्तगू की है ऐवान में जो है वो इस मामले के ऊपर भी आज जो सूरत हाल है वो शोर शराबे का माहौल है, हंगामा आरई है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी है, यहाँ तक के पीटीआई के दो अराकीन असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और अताउल्ला साहब जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं, झगड़ पड़े हैं, बहुत ही सख्त जुमलों का तबादला हुआ और बात जो है वो तलखी से बढ़कर कहीं और दूर तक जा पहुँची है। क्या वजह है कि जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर कोई दो राय नहीं है उसके ऊपर भी हमारे यहाँ कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं होता, लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करते हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्टेटमेंट सामने आए हैं उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन एक मामला जो है वो ये है कि अपोजिशन का कहना यह है कि जो CCPO लाहौर हैं जिन्होंने आज अपने मुतनाज़ा स्टेटमेंट के ऊपर माफ़ी भी मांगी है और कहा है कि दिल आज़ारी की वजह से वो माफ़ी चाहते हैं, उनके पीछे इतनी सपोर्ट की वजह क्या है, क्यों जो पंजाब हुकूमत है और वफाकी हुकूमत जो है वो उनके साथ खड़ी हुई और उनको उनकी उनके दिफा में नज़र आई, पूरी काबीना उनकी दिफा में नज़र आई, वफाकी जो वज़रा हैं वो उनकी दिफा में नज़र आए। और यही सवाल है अपोजिशन का कि एक ऐसे शख्स को जिसने इंतहाई अहम और ज़िम्मेदाराना पोजीशन पर होते हुए गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया उसे आखिर उसके ओहदे से ना हटाने में क्या मसलहत कार फरमा है। साथ साथ हमजा शहबाज शरीफ का मामला है जो कि कोरोना का शिकार हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जो दरख्वास्त की है उसके ऊपर भी कोई पेशरफ नहीं हुई है, मेडिकल बोर्ड बनाने की बात की जा रही है। मरियम साहिबा ने कुछ सवालात भी उठाए हैं और कहा यह है कि क्या ऐसी चीज़ थी जो खाने में नवाज़ शरीफ साहब को खिलाई गई जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स कम हुए और क्या ऐसी वजह है कि हमजा शहबाज साहब जो है वो जो कैद में हैं वहाँ पे भी वो कोरोना का शिकार हुए हैं। साथ साथ APC के मामले की बाज़गश भी है, मौलाना फजल रहमान की कल चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात हुई, अगरचे उन्होंने कहा कि मुलाकात गैर सियासी थी लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि अपोजिशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना हलवा अपोजिशन को मिलेगा, अगर अपोजिशन ने जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ और संजीदगी के साथ मामलात को नहीं देखा और कोई ठोस और सख्त लाए अमल इख्तियार नहीं किया तो फिर हलवा हुकूमत को ही मिल जाएगा। तमाम मौजूदात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू भी इस वक्त जारी है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। वो सरेआम लटकाने की बात कर रहे हैं, वो सर्जरी करके जो रेपिस्ट हैं उसको नाकारा करने की बात कर रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट एक ट्वीट की सूरत में गुज़िश्ता रोज़ आया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब डॉक्टर असद साहब और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा साहिबा जो कौमी असम्बली के इजलास में शरीक थी वो भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। रुबीना खालिद साहिबा, सारा जो तीन दिन की सूरत हाल रही है
और जो चीज़ें हुई हैं इसके अंदर ब्लेम गेम आपको ज़्यादा नज़र आया है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा नज़र आई है, निग्लिजेंस ज़्यादा नज़र आई है, क्या है अगर इन तीन दिनों का आप अहाता करेंगी पूरी सूरत हाल का? देखिए मैं पहली जो बात है वो शुरू करूंगी वो आप ही की बात से करूंगी कि कंसेंसस क्यों नहीं बिल्ड अप हुआ और एक बात क्यों नहीं हुई। देखिए इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत घिनौना, एक बहुत शर्मनाक अमल हुआ है और उसकी जो करार वाकया सज़ा है वो मुजरम तक पहुंचना चाहिए, उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कंसेंसस जो बनाना होता है वो बेसिकली काम होता है हुकूमत वक्त का। अब हुकूमत वक्त अगर इसकी पहले दिन से ओनरशिप ले लेती, हुकूमत वक्त अगर एक कॉल दे देती कि जी हम इसकी जो है पूरी तरीके से तहकीक करेंगे, लेकिन हुकूमत वक्त ने ये ज़्यादा बेहतर समझा कि वो CCPO साहब की हमायत में जो हैं वो जैसे बरसाती मेंढक निकलते हैं बरसात में, इस तरह से CCPO की हमायत में बहुत सारे वज़रा ने जो है जस्टिफिकेशंस पेश की। क्योंकि देखिए वाकया हुआ बहुत बहुत गलत वाकया हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा जो गलत हुआ वो फिर जो जिस रंग से उसको पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए उसने लोगों को मज़ीद इश्तआल में मुब्तला किया। तो ये सारी जिम्मेदारी जो थी वो गवर्नमेंट की बनती थी। और इस पर मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये ज़रूर आज कहना चाहूँगी कि मैंने तो देखा है अपने जो वज़ीर मुआसलात साहब हैं वो छोटी छोटी बात पर कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े हो जाते हैं और दो दो घंटे की वो वहाँ बेमकसद किस्म की तकरीर करते हैं, लेकिन एक ऐसा वाकया जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता उनके साथ कनेक्शन बनता है क्योंकि ये मोटरवे पे पेश आया और वो मोटरवे के इंचार्ज हैं। अभी तक चार दिन गुजर गए हैं, उनके मुंह से हमने बात तो क्या एक वो कहते हैं ना छोटा उन पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं दी। इसी तरह बाकी जो इनके लोग हैं उन्होंने भी इसी तरह से जो है वो इसको ट्रीट किया। और आपने जो बात की कि आज वो CCPO साहब ने माफ़ी मांगी जाके अदालत से, देखिए इससे तो ये जाहिर होता है कि चार दिन गुजरने के बाद उनको तब ख्याल आया जब अदालत जो अदालत थी हाई कोर्ट थी उन्होंने जब नोटिस लिया तो उससे पता चलता है कि उनको इंसानियत से खौफ नहीं है, उनको खौफ खुदा नहीं है। उनको अगर खौफ हुआ तो इसलिए हुआ कि अदालत ने नोटिस ले लिया, इससे पहले वो रियलाइज क्यों नहीं कर सके कि मैंने एक गलत बात कर दी है, मुझे उसी वक्त उसकी तरदीद कर लेनी चाहिए। उसकी तरदीद करना चाहिए दौर की बात रही, काफी सारे लोगों ने हुकूमत के नुमाइंदों ने आके उसको जस्टिफाई किया कि जी इस तरह नहीं तो इस तरह था। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो कहाँ से जो है वो कंसेंसस बिल्ट होगा कहाँ से? और जिस वक्त हुकूमत जिस हुकूमत का जी ये काम सिर्फ ये है वो सारा वक्त उसमें लगी हुई है कि अपोजिशन को किस तरह से जलीलोख्वार करना है, अपोजिशन को किस तरह से कॉर्नर करना है, अपोजिशन को किस तरह से घेरना है। उनका अपने और किसी काम में कोई ना कोई दिलचस्पी है, ना उनका कोई लेना देना है मुल्क, पता नहीं अल्लाह ताला के ही मैं तो कहूंगी कि ये सब तेरा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है कि वो उन्हीं का करम है, सारे अभी चल रहे है जो इन्होंने तो जो दो साल में इस मुल्क का और मुईशत का और लोगों का जो हुलिया बिगाड़ा है उसकी मिसाल मैं नहीं समझती कहीं भी मिलेगी। डॉक्टर साहब ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी कह रहे हैं कि जी ये वही फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है जिसकी वजह से ये हो गया और ये वही मोटरवे है। ये टाइम था इस किस्म की बात करने का या चीज़ें करने का कि यहाँ पर भी जो पोलिटिकल क्रेडिट है वो लेने की कोशिश की जा रही है बिटवीन द लाइन? देखिए पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ और जिस तरह आप सारी कौम सोग में है और गमजदा है, इस तरह के बयान जैसे अभी आपने कहा कि CCPO ने दिए या हुकूमत जिस तरह दे रही है उनके डिफेंस में, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये नमक पाशी है किसी के ज़ख्मों पर, उससे पूछे जिसके साथ ये हुआ है। इनका क्या है, ये तो ये कह देंगे कल फ्लोर पर खड़े हो के वज़ीर साहब के अगर मियाँ साहब मोटरवेज ना बनाते तो ये सफ़र जो है गैर महफूज ना होते और लोग GT रोड से सफ़र कर रहे होते, आसान रास्ता है लोगों के दरमियान, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये बात इसलिए की गई थी कि इन्होंने कल वजीर आला साहब ने और लॉ मिनिस्टर ने और IG साहब ने और बाकी वजीर और मुशरफ मशीरान साथ बैठ के पूरी कैबिनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं कि जी
मुलजिम जो है हम पकड़ने गए थे वो भाग गए हैं। भाई लेबॉर्टरी तक तो आपको शहबाज शरीफ ले गए, आपने देखा। हमने इसलिए ये बात की थी कि जब जैनब केस था तो उस वक्त इमरान नामी शख्स ने जब ये किया था, जुर्म किया था, तो हमने वहाँ पर विद इन अ वीक 12,000 से जायद लोगों के और क्रिमिनल्स रिकॉर्ड रखने वालों के फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्टरी ने उनका DNA टेस्ट किया था। और एक फंक्शन में उसके वालिद की मौजूदगी में शहबाज साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्टरी के DG की इंकरेजमेंट और उसके स्टाफ की कि उन्होंने दिन रात 24 घंटे मेहनत करके इस चीज को फाइंड आउट किया। वो भी यही कह रहे हैं उन्होंने क्लैपिंग करवाई थी, पकड़ लिया, बंदे पकड़ लिए, अब एक पकड़ा गया दूसरा भी पकड़ा जाएगा, हमने भी केस सॉर्ट आउट तो कर लिया है, वो बात तो वही है। इसमें जब ये डॉक्टर साहब बात करें तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जी जी डॉक्टर साहब जी जी, देखिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा इस किस्म की ब्लेम गेम और ये क्रेडिट का नहीं होता। आपके सामने है कि कल अभी लोग गमजदा थे तो ये लोग क्रेडिट का बात करने लगे, तो लोगों ने कहा, आपके सहाफियों ने कहा वजीरों को जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे कि ये मौका नहीं है कि आपको मुबारकबाद दीजिए, सारी कौम गम में मुब्तला है और इस चीज से परेशान है कि अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े गए, तो क्रेडिट कौन लेना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज भी नेशनल असेंबली का सेशन शुरू है, कल सेनेट का शुरू हो जाएगा, आए ये बैठे, कोई अगर जैनब अलर्ट बिल में कोई चीज कमी बेशी है, कुछ करना चाहते हैं, साथ बैठे। ये सिर्फ जबानी कलामी बातें करने से कुछ नहीं होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब इनको करार वाकई सजा दी जाएगी जिन मुलजिमों को। देखिए आप आबिद केस को ही आप देख लें, मैं तो कहूंगा ये IG साहब और CCPO साहब से कि ये पुलिस डिपार्टमेंट को आप रीवैम्प करें, क्यों इन्होंने 7-8 इनके ऊपर FIRs हैं जिसमें एक कत्ल का भी है जो इन्होंने अपने सगे मामू का किया है, उसके बाद डेक्योटी कम रेप के हैं, फिर और इस तरह के, तो ये कैसे तफ्तीशी अफसरान थे उन थानों के जिनकी वजह से ये बाहर आ गए। और फिर इन हर इवेंट के बाद जब मुजरिम बाहर आता है तो वो और शेयर हो जाता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, उसको अगर करार वाकई सजा ना मिले और उसकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हो और अच्छी सजा मिले तो फिर ऐसे वाकयात को डिस्करेज इसमें नहीं होना चाहिए। जी रुबीना साहब आप कोई कमेंट करना चाह रही थी? जी मैं बिल्कुल कहना चाह रही थी इनके जो तफ्तीशी तरीकाकार है इसके हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कि बात ये है कि जिस तरीके से मजे का खेज ही मैं उसको कहूँगी तरीके से और एक सनसनी खेज तरीके से ये जो है इन्होंने ये स्टार्ट की है इन्वेस्टिगेशन। देखिए कबल अज़ वक्त मुजरमों के नाम, अगर वाकई में वो मुजरम है, वो मीडिया को रिलीज़ करना, उनके कवायफ मीडिया को रिलीज़ करना, तो आपको क्या पता है कि हम सब जब अब अपनी TV स्क्रीन्स पे नाम और सब कुछ देख रहे हैं तो उनको पहले से वॉर्न कर दिया गया, उनको पहले से चौकन्ना कर दिया गया और पकड़ा उनको, बाद में जाके पहले से नाम उनके TV पे जो है वो चला दिए, नाम बता दिया, मिसमैनेजमेंट मिसहैंडलिंग, यानी आपका कहना बिल्कुल है। जी मैंने आपको कहा कि इनका इनका कोई काम तो एक मुझे आज तक नजर नहीं आया पिछले 2 सालों में, हमें तो खैर खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल से कोई काम इनका सीधा नजर नहीं आया, लेकिन 2 साल से जो हम वफाकी सतह पे देख रहे हैं जिस किस्म की मजेका खेज ही मैं उसको कहूँगी, जो बेवकूफियाँ हैं, जो शौक है खुद नुमाई का, उस खुद नुमाई के शौक से निकलेंगे तो फिर इनको समझ आएगी कि ये मुल्क भी चलाना है और मुल्क चलाने के लिए बड़ा तदब्बर, बड़ी फहमो फरासत की जरूरत होती है, इस तरीके से ये मुल्क नहीं चलने वाला। मोहसिन अजीज साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर। मोहसिन साहब, रुबीना खालिद साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, डॉक्टर असद साहब भी यही बात कर रहे थे पहले, एक तो ये कि अपोजिशन का कोई स्टेटमेंट आता है तो तर्जुमान जो है ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इसी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि उसका जवाब देना है, और दूसरा CCPO की सपोर्ट के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट नज़र आई वो खासा क्रिटिसाइज हो रहा है मामला, कि इतनी ज़्यादा उसको सपोर्ट करने की या हथेली लगाने की ज़रूरत क्या है, जबकि उनका सबका इत्तेफाक है कि उनका बयान जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था और उसकी हर एक ने उसको कंडेम किया। और ये मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि छोटी छोटी बातों पे ये हर एक से इस्तीफा मांगते थे, कभी वजीर आजम से मांगते थे, कभी वजीरों से मांगते थे, कभी मुशीरों से मांगते, तो अपनी बार पे ना इनको इस्तीफा याद है और ना कुछ और याद है। जी मोहसिन अजीज साहब, आपने सवाल अगर आप कहें तो मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूँ, मोहसिन साहब की लाइन ड्रॉप हो गई तो वक्फे के बाद आते हैं तो फिर मोहसिन अजीज साहब से ये जो गुफ्तगू है उसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, सेनेटर डॉक्टर असद और सेनेटर मोहसिन अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब,
ये क्या वजह है कि जो पंजाब हुकूमत है और वफाकी हुकूमत, वो CCPO के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान के बावजूद उसके साथ खड़े नज़र आए हैं, उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं? पूरी कौम, पूरी अपोजिशन कह रही थी कि जी आप इनको कम से कम इनके पोस्ट से हटाएं, जिस किस्म की मेंटालिटी इनकी है। देखिए बात यह है कि ये एक बहुत ही घिनौना जुर्म हुआ है, बहुत ही शर्मनाक जुर्म हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक हुआ है। मैं समझता हूँ ये एक माशरे का रेप है, मैं समझता हूँ निज़ाम का रेप है, मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का रेप है। इसके लिए जितने सख्त से सख्त अल्फाज आदमी ले वो कम है, क्योंकि एक हमारी बेटी माँ बहन के साथ अगर ये जुर्म होता है, ये होता है, और ये यहाँ पे एक वतीरा बन गया है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। इसके लिए हमें दूरदर्श नतज लेने के लिए दूरदर्श इकदाम कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो आप फरमा रहे हैं, बात ये है कि जी उन्होंने, मैं भी समझता हूँ कि बड़ा गलत और नामुनासिब और इंतहाई अफसोसनाक बयान दिया है, और उन्होंने ये जलती पे तेल का काम किया है। ये ऑल सेड एंड डन, जितनी दफ़ा आप कहें मैं उतनी दफ़ा ये रिपीट करूँगा, तो उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन जो आप साथ कह रहे हैं कि जी वफाकी हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत जो है वो इनके साथ जो है कुछ उसको रहमदिली की बात कर रही है, नहीं, हम अगर ये कहते हैं, अगर ये बात करें तो ये कहने के बाद हम ये चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए है या आपको जो है एक आदमी को विक्टिमाइज करना है। अभी हम सारे का सारा ये सिलसिला भूल के एक आदमी के पीछे लग गए हैं कि उस आदमी ने गलत बयान दिया। वो तो मैं भी कह रहा हूँ गलत बयान दिए, उनको नहीं देना चाहिए था, उसको उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए था, बहुत मोहतात तरीके से यहाँ बात करनी चाहिए थी। लेकिन देखिये साथ साथ ये बात भी है कि उन्होंने एक तरीके से, जिस तरह एक बड़ा आदमी होता है उस तरीके से एक बात की है, और उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि रात के वक्त जब आदमी निकले थोड़ा सा मोहतात हो जाए और वो हो जाए, लेकिन हमें ये भी उस वक्त मैं समझता हूँ कि नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बात ये है जी, बात ये है कि देखिए ये हमें हमें बातें चाहिए, हमें वाइज इन वर्ड चाहिए या हमें वाइज इन डीड चाहिए। अब इस आदमी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि जो पुराने कहीं अगर वाकयात हुए, व्हेन ही वाज DPO क्या नाम है RPO इन DG खान, या उससे पहले अगर कोई स्मगलिंग का केस हुआ है या इसी तरीके से कोई, उन्होंने अपने जो पेटी बंद है उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिए, स्टर्न और सख्त एक्शन लिए। ट्रैक रिकॉर्ड में तो मोहसिन साहब बड़ी सारी बातें आई हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हुई, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देखा नहीं है जी। जी रुबीना साहब, हेलो, मैंने मोहसिन साहब, आपने शायद उनका वो ACR वगैरह जो है वो पढ़े नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड शायद आपने देखा नहीं है। नहीं, मुझे ये मालूम है, मुझे ये मालूम है कि उनको जो है तो ये जो कैप्टन सफदर साहब हैं वो भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो यही मालूम है कि वो जो माफिया है उसके अगेंस्ट भी वो लगे रहे हैं। मुझे ये मालूम है कि ये जो है ना हम जो इतनी बातें यहाँ करते हैं तो हम कैप्टन सफदर यहाँ से कहाँ साथ हैं, हम सब अशराबिये के बात हैं। अगर वहाँ शाहरुख जो है जतोई की मुतलक अगर बात हो, तालपुर की अगर बात हो, तो हम अशराफिया खड़े नहीं होते कि वहाँ किस तरीके से जो है एक बच्चे का मर्डर हुआ है शाहजेब का, हम उस वक्त खड़े नहीं होते। तो हम देखते हैं खुद ज्यादा जो साहब है जिन्होंने वहाँ पे एक कॉन्स्टेबल को मारा शहीद किया, वो तो अब कोर्ट में चला गया मोहसिन साहब, मामला वहाँ से सजा भी हो गई, सब चीज। डॉक्टर साहब, ये आप इस वजह से CCPO की मुखालफत कर रहे हैं कि वो कैप्टन सफदर को धमकाते थे, आपने कहा चलो। देखिए मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज भी देखिए, आज भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा, आज हम नहीं है, ये हाजियों ने कहा था कि हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे, ये रिफॉर्म कर रहे हैं कि IG जो है उस पे ह्यूमन स्मगलिंग के एस्टेब्लिश केसेस हैं, और वो उस वक्त ये आपके मीडिया में भी आ चुका हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को जब जाके वो रिपोर्ट दी थी तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा था कि ये इस आदमी को ने तो पाकिस्तान की बेइज्जती की है, बुलाओ इसको, कहा इसको रिमूव करो। आज वो IG लग गए हैं। इसी तरह ये CCPO को आप देख लें कि किस तरह उन्होंने, अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा, ये जो आबिद के बारे में आप बात कर रहे हैं वही अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल किए गए, और उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आवाम के सामने है वो उन्होंने क्या किया, विक्टिम ब्लेमिंग कर दी कि विक्टिम को ब्लेम कर दिया कि जी आप ये जो भी है ठीक है, उनको अब एहसास हुआ,
उनको पहले ही होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने पुलिस रिफॉर्म्स करनी थी, अच्छी चीजें लानी थी। उस इंसाब ने ये सुना है, मैं जो बात कर रहा हूँ आईजी और सीसीपीओ के बारे में, ये रिकॉर्ड का उनका हिस्सा है, जो उनकी सर्विस ट्री है उसमें फाइल्स में लगा हुए और वो मीडिया में भी आ गया हुआ है अब तो, और उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे हुए कि आप अगर जूं जूं पढ़ते जाएंगे उनकी एनुअल एसीआर, आप उतने ही शर्मिंदा होते जाएंगे कि पाकिस्तान का दिल अगर पंजाब और लाहौर है और उस लाहौर में किस किस्म के अफसर लगाए हैं। यही वजह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने यह कहा कि हुकूमत को शर्म करनी चाहिए और सियासी जो मदाखलत है पुलिस में वो बंद करनी चाहिए। रुबीना साहब, ये जो मोहसिन साहब कह रहे थे कि मालूम तो नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो जिस वक्त एफआईए में थे, अभी जो है जो नए आईजी साहब लगे हैं, उस वक्त एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक केस बना था, वो ये जरूर मतलब उसमें ये चूंकि हेड थे उस वक्त, तो इन पे वो बात पॉइंट आउट हो सकती है, लेकिन ही वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। मतलब कहने का ये कि ठीक है, वो एक ये मौसम साहब, वो डॉक्टर साहब जो है ना एसीआर सीसीपीओ की बात कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन वो मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं थे। रुबीना साहब, डॉक्टर साहब जो है वो इनाम गनी साहब जो आईजी पंजाब है उनकी भी बात कर रहे हैं, उनके भी मामला दोनों की कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारा जो मौजू गुफ्तगु है वो सीसीपीओ साहब की रिपोर्ट्स हैं, वो भी है, वो भी मौजूद है। देखिए हमने नहीं ये कहा था पुलिस रिफॉर्म्स का और सियासी मुकाबला। अच्छा चले, हम एक मैंने कहा था जो आजकल इख्तियार में चले। रुबीना साहब वो कहते हैं मोहसिन साहब के रिजल्ट मिलने चाहिए, रिजल्ट दे दिए उन्होंने, उन्हीं सीसीपीओ साहब ने बंदे पकड़े। देखें सीसीपीओ साहब पता नहीं किस किस्म के रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ऐसा शख्स उसको सुपरवाइज कर रहा है जो कि खुद रेप अपोलोजिस्ट है। इस ऐसी जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं उसके लिए सिर्फ एक लफ्ज होता है, वो होता है रेप अपोलोजिस्ट। उन्होंने रेपिस्ट की जो है नुमाइंदगी ज्यादा की है और विक्टिम के साथ हमदर्दी कम की है। ऐसे शख्स से आप क्या रिजल्ट्स तवक्को करते हैं? और इंफॉर्मेशन कबल अज वक्त, जैसे मैंने पहले भी कहा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि पुलिस को तब शेयर करनी चाहिए थी पब्लिक स्फीयर में जब ये मुजरिम तक पहुंच जाते और मुजरिम को गिरफ्तार कर लेते। वक्त से पहले वार्न किया गया, वक्त से पहले मुजरिम को भागने का मौका दिया गया। ये सारी बातें जो हैं, ये तो जब आइंदा ये केस जब चलेगा तो ये सारी बातें सामने आएंगी। हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है एनसीसीपीओ साहब पे, और अगर उन्होंने माफी मांगनी ही थी, उन्होंने अगर अपना उनको एहसास हो गया था कि मैंने शायद कुछ गलत कह दिया है, तो उन्होंने क्यों इंतजार किया कि मुझे अदालत बुलाएगी तो फिर मैं माफी मांगूंगा? तो ये सारी बातें जो है, माफी भी रुबीना साहब अदालत की वजह से मांगी उन्होंने, क्योंकि अदालत में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कर रही है। अदालत में जाके उससे पहले माफी नहीं मांगी, अदालत के बाहर खड़े होके उन्होंने जो है ये बात की है। देखिए मोहसिन साहब, आप जो है ना, देखिए हम हमारा दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, हम इस किस्म के अफसरान की साइड ना ले सकते हैं ना उनके साथ खड़े हो सकते हैं। एंड इंशाल्लाह ये एक्शन भी आ जाएगा कि अभी विद इन 3 डेज और 4 डेज ये जो है उसकी सामने आ गई है और इंशाल्लाह वो अरेस्ट भी हो जाएंगे। उसके बाद हमारी पार्लियामेंट के ऊपर है कि हम तो कहते हैं कि इनको उल्टा लटकाया जाए, टिल डेथ लटकाया जाए, गोली मारी जाए। आप लोगों की पार्टी का क्या ये जो आपकी बात है लटकाने वाली, गोली मारने वाली, ये फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था गुज़िश्ता रोज़। वो कहते हैं जिंदा जला दें, सरेआम फांसी दे दें, जिस्मानी अज़ा काट दें। अवाम की जानिब से ऐसा रद्द अमल आए तो समझ आता है, लेकिन हमारे वुज़रा पढ़े लिखे तबकात की जानिब से बगैर किसी हिचकिचाहट के ऐसी बातें करना हमारे माशरे की मुतशद्दिद सोच की अक्कास है, जो तशद्दुद को हर मसले का हल समझती है। आज इमरान खान साहब ने भी यही बात की है, लटकाया जाए। आप भी कहते हैं लटकाया जाए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये तो मुतशद्दिद सोच की अक्कासी है। तो ये क्या है मामला? हरी की बात का जवाब देना मुझे मुझ पर लाजिम नहीं है, मुझे अपना जो है कहना है और मुझे पार्टी लाइन भी तो करनी है, और अपना जो मेरा दिमाग है वो भी ये कहता है कि इन पे सख्त से सख्त इनकी सजा होनी चाहिए। दे शुड हैव नो मर्सी एंड वी शुड नॉट से कि जो ये पार्टीज वाले होते हैं वो शब शब करते हैं इन बातों पे और कहते हैं कि जी इसमें ह्यूमन राइट के इशू है। कोई ह्यूमन राइट के इशू नहीं है। दे शुड बी ट्रीटेड एट पार विद स्ट्रीट डॉग, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सेकंड देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना बहुत आसान होता है मोहसिन साहब। आप लोगों के पास इस वक्त मेजॉरिटी है, आप
अपनी मर्जी के बिलों के लिए ज्वाइंट सेशन बुला के उसको जो है बुलडोज कर सकते हैं। तो इस इशू पे भी अगर आप कन्विंस्ड हैं, कौन आप करें लेजिस्लेशन, किसने मना किया आपको? मोहसिन साहब वो कहते रुबीना साहब कह रही है लेजिस्लेशन करें ना, किसने मना किया है? क्यों बैठे होते थे? लेजिस्लेशन करें किसने मना किया? इमरान खान साहब ने तो आज यहाँ तक कहा है कि जो रेपिस्ट हैं जी उनकी तो सर्जरी करवा दें। बिल्कुल करें ना जी, करेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं लेजिस्लेशन तो आपने करनी है, लेजिस्लेशन करें किसने मना किया? इंशाल्लाह जी, जो 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 भी गंद पाकिस्तान में इन लोगों ने डाले हुए पिछले 70 साल के वास्ता करके सब साफ करेंगे। अब ये देखिए, दिस इज अब टू मच। देखिए बात कि आपके हमसाये में भारत रेपिस्तान बन गया हुआ है, उधर से और अपने हमसायों से और दुनिया से ये देखें कि उन्होंने किस तरह इस पे कंट्रोल किया, किस तरह सजाएं दी है और किस तरह के एक्शन लिए हैं हुकूमत ने, लॉ मेकिंग की है कि ये वाकयात काम हुए हैं। वो भी इन्होंने अपोजिशन पे डाल दिया। गुफ्तगू तो जरा मुलाहिजा फरमाएं डॉक्टर असद साहब, ये लेजिस्लेशन मुमकिन है इन हालात के अंदर जो जो सूरत हाल है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान किसी एक मामले में? मुमकिन है। देखिए मेरी बात सुने, अभी इन्होंने 2 सालों में कोई अपनी लेजिस्लेशन नहीं की है, अगर की है तो अपोजिशन ने साथ दिया तो लेजिस्लेशन हुई है जितनी भी हुई, और हम हर लेजिस्लेशन में इनसे बढ़ के वो करते हैं। ये तो डायरेक्ट सेनेट में लागे और बिल पास करने की कोशिश करते हैं, कमिटीज में नहीं भेजते कि वो इसे देखें कि बिल क्या पड़ा हुआ है। हम कैसे बिल पे बगैर पढ़े हुए अंगूठा लगा दें? हम कोई जो अंगूठा छाप रहे हैं इनकी तरह, हम पढ़ लिख के और अपने ब्रेन इस्तेमाल करके और एक जो आज रुबीना साहब हम काम कर रहे थे ऑर्डिनेंस के हवाले से, आपने तो सीपैक अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस भी हमने काफी लोगों से बात हुई, वो लैप्स हुए हुए अरसा हो गया, उसके ऊपर भी खामोशी है। तो मैं आपसे यही तो कह रही हूँ ना, देखिए अभी मैं सीपैक का मेंबर हूँ कमेटी का, मुझे नहीं पता कि सीपैक अथॉरिटी जो है उसकी क्या अथॉरिटी है, यानी कमेटी के चेयरमैन शरीर रहमान है और बाकी 18-20 सेनेटर्स हैं, किसी को नहीं पता कि क्या चीज है ये। देखिए जब पार्लियामेंट में आएगी तो हमें पता लगेगा ना कि क्या चीज है और इसको किस तरह बेहतर करना है, इस अथॉरिटी को किस तरह फंक्शनल और बेहतर करना है, इफेक्टिव करना है। जी ये चीज पार्लियामेंट में नहीं लाते, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वाने सदर से निकलती है और बस उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं होता। जी रुबीना साहब, आप देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उनकी जो इनके जो अपने मकासद होते हैं, जैसे इन्होंने पीएमडीसी को उसका जो है ना वो कबाड़ा करना था, वो उसके लिए ऑर्डिनेंस ले आए। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जहां इनको इनके माली मफादात होते हैं, इनके भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनके अंदर भी लॉबियस्ट हैं, माफियाज हैं डिफरेंट जो इनकी उसमें से काम करते हैं सफ़ों में से, उनकी मर्जी के ऑर्डिनेंस तो ना ये किसी से पूछते हैं ना इनको कहने की ज़रूरत होती है, ये वो चीज़ें जो हैं वो खुद लेकर आ जाते हैं और रातों रात ले आते हैं, किसी को खबर भी नहीं होती। लेकिन चूंकि अब ये सनसनी केस किस्म के जो बयानात हैं और इनके आपस की, तो पहले डिसाइड कर लें कि इनका कौन सा बंदा जो है वजीर जो है वो सही कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है। पहले आपस के इख्तलाफात खत्म करें और एक जो है कंसेंसस, आपने कहा कि कंसेंसस बनाना है, कंसेंसस ये किसी के साथ क्या बनाएंगे, इनके तो अपने पार्टी के अंदर कंसेंसस नहीं है। बाहर की बात तो दूर है, अपोजिशन के साथ कंसेंसस करना, दूसरी पार्टियों के साथ कंसेंसस करना, जहां अपना जमात के अंदर तफरका हो, अपने में तफरी, अपने में ये अफरा तफरी हो, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है ना वो किसी बात पे नेशनल कंसेंसस बिल्ड करेंगे? ठीक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद होगी मोहसिन साहब या ऐसी चलती रहेगी 5 साल? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जहाँ तक तलग है वो ये है कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दोनों जो अदवार गुजरे हैं उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से उनसे कम है। अपनी प्रोडक्शन का लेवल देखें कि जिसको ये 5 साल में थे तो इनके कितने ऑर्डिनेंस आए थे, किस रफ्तार पे इनकी फैक्ट्री चल रही, तो हमारी किस रफ्तार पे चल रही है, ठीक, तो इनको पता चल जाएगा कि कौन सी रफ्तार ज्यादा। लेकिन बंद नहीं हो सकती, आप कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के होते होने के बाद मोहसिन साहब वो ऑर्डिनेंसेज जो है वो इमरजेंसीज में थे उस वक्त, आपका नेशनल जो है नेशनल एक्शन प्लान चल रहा था और उसमें इमीडिएटली जो है लॉ मेकिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आया ये मौलाना साहब का हाथ पकड़ेंगे या फिर छोड़ देंगे, ये कंसेंसस अपने में लेकर आए मोहसिन साहब, जो बाकी है और बाप और बेटा और भाई भाई में क्या कंसेंसस है वो ये सामने लाएं, ये मेरा मुंह ना ज्यादा खुलवाएं आज। अच्छा चले हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये एपीसी वाले मामले के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे इसी गुफ्तगू के ऊपर। वेलकम बैक नाजीन, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, सेनेटर डॉक्टर असद, सेनेटर रुबीना साहिबा मेरे मेहमान है। रुबीना साहिबा, पीपल्स पार्टी एपीसी कर रही है, जिक्र मोहसिन अजीज साहब कह रहे थे पहले अपने अंदर तो कंसेंसस पैदा कर लें, 20 तारीख की एपीसी, कोई हौसला अफजा खबरें हैं? मौलाना कहते हैं अपोजिशन अगर
उसने कोई रास्त इकदाम नहीं किया और ठोस फैसले नहीं किए तो सारा हलवा जो है हुकूमत ले जाएगी। देखिए मौलाना साहब की बात अपनी जगह पे, लेकिन कंसेंसस सारी पार्टियों में इस बात पे तो ज़रूर है, क्योंकि हर एक का एक अपना जो है स्कूल ऑफ थॉट है, हर एक का अपना एक जो है उनका एक तरीक़ेकार है, लेकिन एक बात पे तो इत्तेफाक सबका है कि इस हकूमत का मजीद रहना जो है मुल्क के लिए सही नहीं है, और वो नज़र आ रहा है हर शोबे में, नज़र आ रहा है हर चीज़ में, नज़र आ रहा है कि जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है तो हालात और जो मुल्क की मईशत की सूरत है, बाकी जो सूरत हाल है आप किसी तरफ भी देख लें, वो कि बेहतरी की तरफ जाने की बजाय तनज़ुल की तरफ जा रही है। तो इसके लिए अपोजिशन का, जमातों का मिल बैठना और कंसेंसस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान के अवाम उसकी तरफ देख रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के अपने बहुत सारे जो लोग हैं जो इनसे बहुत तंग आए हुए हैं, मेरा जाना हुआ पिछले दिनों पेशावर में, तो एक मुलाकात हुई एक बंदे से, उसने कहा कि मेरी जो तनख्वाह है वो 18,000 रुपये है, मेरा बिजली का बिल जो है वो 17,000 रुपये आया है, अब मुझे बताएं कि मैंने वो बिल तो खामखा जमा कराना है क्योंकि बिजली कट जाएगी, एक पंखा है मेरे घर में और अगर मैं ये बिल नहीं अदा करता तो ये बिजली भी कट जाती, तो मैं 1,000 रुपये में ये अपना पूरा जो घर का पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाऊँ। इस हकूमत ने जो महंगाई का एक बम जो है गिराया है हर चीज में, ठीक है पहले भी महंगाई जरूर होती थी, कभी कोई सब्जियां महंगी हो गई या चलो आटा महंगा हो गया, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड तब्दीली लाते या अक्रॉस द बोर्ड और क्या काम करते हैं ना, अक्रॉस द बोर्ड महंगाई की है हर चीज जो है वो, जो अच्छे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो सफेद पोश लोग हैं वो भी तकलीफ में है, जो सैलरी क्लास है वो सबसे ज्यादा तकलीफ में है। तो ये इस वक्त तो एक वो एक इकट्ठा हुआ है मलबा, ये बस जिस टाइम ये निकलेगा फिर इनको समझ आ जाएगी, अभी तक ये ख्वाबे खरगोश में बैठे हैं और जो है सारा दिन जो है सिवाय ऑपोजिशन की क्लास लेने के इनका ना कोई काम है ना कोई इनका तरीका है और है। तो ये इंशाल्लाह कंसेंसस भी होगा और जल्द होगा। डॉक्टर असद साहब, क्या नया होगा इस एपीसी के अंदर जो पहले नहीं हुई, मुतअद्दिद एपीसीज होंगे? देखिए जैसे मेरी बहन रुबीना ने कहा है कि ये हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ है, JUIF की अपनी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, नून लीग की अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी है, लेकिन आपने असेंबली में और सेनेट में बार बार ये देखा है कि हमने ज्वाइंट मौकफ अपनाए हैं और बड़ी कामयाबी से हर वो चीज़ जो ये बुलडोज करना चाहते थे उसे रोका है, जो आवाम के खिलाफ थी, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थी, ह्यूमन राइट्स में नहीं थी और दूसरी चीज़ों में। तो एपीसी के मतलब भी यही होता है कि आपस की जो दूरियां हैं उनको किस तरह वन लाइन एजेंडे पे लाएं और एक ऐसा एक्शन प्लान दें जिससे इस कौम की आवाम जो महंगाई में पिसी हुई है, जिसको आप कहें पेट्रोल का टीका लगा है, जिसे बिजली का टीका लगा है, जिसे महंगाई का टीका लगा है, मैं होरों वाले टीके की बात नहीं करूंगा, वो तो आप कास्ट भी होने लगी जगह जगह आपने देखा है, मैं अगर ये पार्टी जो ओपोजिशन में है और जो लोगों के वोट लेके आई हैं, कोई RTS बैठने से नहीं आई हैं, ये वो लोग हैं जो जैसे कहते हैं ना खून और आग का दरिया बोर करके असेंबलीज में हम लोग पहुंचे हैं, प्री पोल ड्यूरिंग पोल और पोस्ट पोल जिस तरह वो उम्मीद है डॉक्टर साहब आपको कि वन लाइन एजेंडे के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुने, अगर आज इस वक्त भी ओपोजिशन नहीं इकट्ठी हुई तो फिर पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो फिर वो आपने देखा कि आजकल जो जलसे हो रहे हैं जिनकी कवरेज नहीं हो रही है उसमें आम आदमी कितनी शिद्दत से उसमें शामिल हो रहा है, और अगर ये मेन लाइन पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लीडरशिप के साथ इकट्ठी वहाँ निकले तो फिर आप सोच सकते हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, आपके कैमराज देखते हैं, आपके रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं कि फिर क्या हाल होगा। अभी तो ये पार्टियां APCs कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं, जो उनको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है और जिसको आप लोग TV पे नहीं दिखा सकते हैं, जो आपके पास पाबंदियाँ हैं, और जैसे आप लोगों पर आजकल हर जरा सा कुछ बोलने तो आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट, ना सिर्फ गद्दारी का सर्टिफिकेट बल्कि आप पे FIR काटी जा रही हैं। तो मोहसिन साहब कुछ होगा जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो ये वैक्यूम जो है ये कोई और फिल कर जाएगा, कुछ और फोर्सेस कर जाएगी जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, मैं मोहसिन साहब का पॉइंट ले लूँगा, वक्त का मैं एक बात और मैंने करनी जी। मोहसिन साहब, कोई खतरा, कोई चीज़ अपोजिशन अलाइन हो जाती है?
देखिए हुकूमत का जाना तो इनके मुताबिक इसलिए ठहरा कि ये ना हलवा खाती है ना हलवा खाने दे रही है। अब तोशाखाना जो है, तोशाखाना को हम छोड़ दें तो कुछ भी नहीं है। तोशाखाना को आपको पता है कि क्या है कि कम से कम कुछ भी तो, कुछ तो हया करे, कुछ तो शर्म करे। 4 BMW गाड़ियां, 3 BMW गाड़ियां 750 सीरीज की आप लेकर जा रहे हैं 3 करोड़ रुपए की, वो भी अकाउंट से पैसे नहीं दे रहे, वो भी जाली अकाउंट से दे रहे हैं और वो भी कम दे रहे हैं। तो वैसे वैसे मोहसिन साहब वो पर सुन ले जी, अब ये जो केसेज है, मेफेयर का केस है, पनामा केस है, हम हलवा खाने दें तो फिर हुकूमत भी नहीं जाएगी और इनके ख्याल से हुकूमत भी जाने चाहिए। आप कम से कम अपनी हुकूमत चला रहे, हलवा खाएं ना खाएं, इसका इसका ये तारिक साहब बात शुरू हुई थी खरबों अरबों खरबों की करप्शन से और बात आगे रुक रही है हलवे पे और तोशाखाना में। आप देख लें कि क्या करप्शन का स्टैंडर्ड हो गया है। अब मुझे तो बात करें डॉक्टर साहब, जरा तो बात करें, मैं तो आपकी बात पे बात ही नहीं करता जी। बात यह है कि जी बात यह है कि इसमें वही पछताई होगी, वही मेरा ख्याल है अफसोस होगा इनको, वही शर्मनाक बातें होंगी और वही शर्मिंदगी होगी जो कि मौलाना साहब के जलसे को जो धरने को हुआ है। अब ये बेशक कोशिश कर लें, मैं आपको अभी आज बता देता हूँ मैं कुर्सी करके आपको आज बता देता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ना इससे हुकूमत को कोई खतरा है, ना हुकूमत इससे कोई खायफ है, ना हुकूमत इससे कोई डर रही है और ना इससे कुछ हासिल वसूल इनको होगा। ये इनके अपने ही आप देख लेंगे, इनकी जो हांडी है वो चौराहे में जाके टूटेगी क्योंकि इनमें आपस में इतफाक नहीं है। वो कहते हैं कि तुम जो पुरानी तरह का ऑपोजिशन थी वही करें कि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। आज वो जो है ये कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर बैठा हुआ इमरान खान साहब, वो इनको ये काम करने नहीं दे रहा कि आपने मुख मौका एक दूसरे के साथ कर ले कि तुम इस केस को छुपा लो तो मैं दूसरे केस को छुपा लूंगा। ये मामला यही चौराहे में जाके चले, मुझे बताएं जो डी चौक तो नहीं, उससे पहले ही ये जो है उससे पहले जो चौक आता है वही जो है तो F10 के चौक में ये खत्म हो जाएगी। अच्छा मोहसिन साहब, ये तोशाखाना के ऊपर एक आर्गुमेंट ये भी चल रहा है कि जी जो शाह अब्दुल्ला ने परवेज मुशर्रफ साहब को फ्लैट तोहफे में दिए थे उस पे भी रेफरेंस बनता है परवेज मुशर्रफ साहब पे। मुझे पता है तोशाखाना जो है जी, तोशाखाना तो ये चीज है, तोशाखाना तो वो चीज होती है जो आप बात तोशे खाने तक आ गई है। खरपो खरपो से 3 साल की लूट मार दी, बात तोशे खाने पे और हलवे पे आके रुक रही है। अच्छा चल रुबीना साहब, जो मैं वक्त खत्म हो रहा है, मैं जिस दौरान आपसे पेपर माँ पे आके खुश हो जाएंगे, जिस दौरान आपसे गुफ्तगू कर रहा था उसी दौरान में एक खबर और भी आई है कि यूएस एम्बेसी ने अपने जो सिटीजन हैं उनके लिए कहा है कि इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं कि वो मुहतात रहे, इस्लामाबाद अपने जो है वो घड़ियां और जो कीमती जेवरात हैं वो घर पे रख के चले। क्या हालात है इस्लामाबाद में आपसे यही तो देखे ना, आप कहते ना कि वो चराग तले अंधेरा, ये चाहते हैं मुझे बात करने दे कि ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में 18वीं तरमीम खत्म कर ले। मोहसिन साहब ये रुबीना साहब की बात सुन ले फिर कंक्लूड करते हैं। जी जी रुबीना साहब, 18वीं तरमीम के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि ये समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की बहुत सलाहियत होती है लॉ एंड ऑर्डर हर तरीके का, तो वो चराग तले अंधेरा है। आपने बात करके खुद बता दिया है कि जहाँ वफाक का फेडरल कैपिटल का जिसकी टेरिटरी जो है कुछ मीलों पे मुहैया है उसके अंदर जो हकूमत जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल कर ना सके, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरे मुल्क में जो है वो अमन करेगी, पूरे मुल्क में जो है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगी। तो इनकी बातें हैं, बातें तो ये इतनी करते हैं कि आप लोग सुनते जाएं तो बंदा कहता है पता नहीं क्या कर लेंगे, लेकिन जो असल जमीनी हकायक हैं वो अमेरिकन एम्बेसी के सलामिये से सामने आ गए हैं कि असल में इनकी कितनी जो है जमीन पे की क्या हकीकत है और ये कितने पानी में। हमने अमल किया है तभी इतनी चीखें चीख पुकार हो रही है। कहा आपने कि हर एम्बेसी जो है वो परेशान है, आप अमेरिकन एम्बेसी वालों की बात करें उसके चलते अब ये विक्टिम ब्लेमिंग करेगा तो फिर लोगों समझदार लोग तो फिर यही कहेंगे कि हुकूमत का मकसद यही है कि जागदे रहना ते साडे ते ना रहना, और यही सबको मैसेज दिया गया है कि जागदे रहना साडे रहना। मोटरवे जैसी सेफ जगह पे जहाँ वो तो उन्होंने एरिया यूएस एम्बेसी का जो एलामिया उन्होंने एरिया बात कर दिए हैं कि ये एरिया है कि जहाँ पे हमें स्ट्रीट क्राइम की शिकायत मिली है। मोहसिन साहब लास्ट कमेंट सर, प्रोग्राम आपसे इस्लामाबाद की बात हो रही है, इस्लामाबाद सेफ नहीं है तो बाकी किधर होगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह ये निजाम भी ठीक होगा, ये इंटरेस्ट है, ये ब्यूरोक्रेसी में भी ये जो है इंटरेस्ट है, ये चीजें ये करप्शन जो है पिछले 3 सालों से
30 सालों से 50 सालों से ये इंसल्ट हो गई है, इसलिए ये जो है ना आपकी जो लोग साफ हो रहे हैं बीच में जो है तो अच्छे लोग ऊपर आ रहे हैं जिनका इनको एतराज है और ये छोटी छोटी बातों पे एतराज करते हैं। इंशाल्लाह वही लोग होंगे जो सिस्टम को ठीक करेंगे और इसी तरीके से ठीक होगा। और ये मैं आपको यहाँ आखिर में ये कह दूँ, इमरान खान ही है इंशाल्लाह इस सिस्टम को ठीक करेगा। ठीक, इनके बस की बात नहीं है। मोहसिन साहब कहते हैं बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं इसके ऊपर, ये छोटी बातें। अगर एक एक आखिरी जुमला मुझे बोलना है कि इमरान खान साहब को ना वो पहले से बता दिया करें उन्होंने क्या कहना है। सुबह सुबह ट्वीट कर दी कि आज स्कूल खुल गए, हालांकि स्कूल कल खुलने हैं, फिर वो डिलीट करनी पड़ गई। तो इसलिए बेहतर है कि पहले सोच समझ के बात किया करें ताकि जो है बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। रुबीना साहिबा, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, डॉक्टर असद साहब, साहिबान आपके अंदर पड़े हुए किस बात। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।